अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। लबैक 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 या रसूलल्लाह, ताज दारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब नबी फ़क्तुलु मन सब नबी फ़क्तुलु। खादिम करीम बख्श्याल तारीख लबे के या रसूलल्लाह का आदना कारकुन दादू जिला। काफ़ी अरसा तीन साल से दो ढाई साल से ज़िला आमिर ज़िला दादू सूबा सिंध से खिदमत सर अंजाम दी है। अभी कुछ दिन पहले ज़िला आमिर के अहदे से सूबाई अहदेदारान के इख्तलाफात के बाद वजह पर ज़िला आमिर के अहदे से बर्खास्त किया गया था। अभी काफ़ी सारे दोस्त अहबाब कारकुनान ज़िम्मेदारान काफ़ी सारे सवालात पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सब दोस्त काफ़ी हैं तो हर दोस्त को जवाब के लिए कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं। हमारे आईडीज़ फेसबुक की ब्लॉक हो जाती है, ट्विटर अकाउंट हमारे क्रैश हो जाते हैं और व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन था तो व्हाट्सएप भी क्रैश हो गया। इसी वजह पर वीडियो ये पैगाम दे रहे हैं कि कम्युनिकेशन में बहुत सारा मसला है और पूछ रहे हैं। उनका सवाल यही है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, ज़िला आमिर की ज़िम्मेदारी तो आपके ऊपर नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। उनके लिए मेरा मुख्तसर सा पैगाम है कि जो मिशन हमें अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़ी साहब ने दिया है, हम उस मिशन के तहत काम करेंगे। हमारे चाहे वो दे रहे हैं चाहे ना रहें, कोई मसला नहीं है। हम उस मिशन के तहत काम करेंगे। बाकी हमारे इलाकों में जो हमारी जो है सिंध सूबे में, वहाँ पर कारकुनान के साथ अहदेदारों के साथ काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनकी शिकायत मरकज़ को काफ़ी दफ़ा की। हाफिज़ सैयद हुसैन अमीर तारिक लबे के या रसूलल्लाह, हाफिज़ सैयद हुसैन रज़ी साहब का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहा है हमसे और हमारा भी उनसे कम्युनिकेशन है। तो जो पेचीदा मसाइल थे वो डिस्कस किए थे उससे, लेकिन शायद कुछ मसाइल वक्त के हिसाब से हल हो सकते हैं, काफ़ी नहीं हो सकते। तो ये मसाइल इधर हैं कि तारीख में जो दोस्त काम कर रहे थे वो अब अहदेदार नहीं रहे और काफ़ी सारे लोग हट गए हैं और खामोश हो गए हैं और उन दोस्तों पर ये इल्ज़ाम हैं कि आप वडेरों के ग़ुलाम हैं, आप सिंधी लोग हैं, आप कौम परस्त हैं। मतलब एक तो उनको अहदेदारों को बर्खास्त करें और उसके बाद उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएं जहां से दिल आज़ारी हो। तो ये मसाइल होते रहते हैं वक्त के साथ, जिस तरीके से तंजीमें आगे चलती हैं तरीके आगे चलती हैं तो मसाइल सामने आते हैं, जब आवाम आती है तो मसाइल भी आते हैं। तो ये थोड़े मुख्तसर से इश्यूज़ थे। हमने जो मिशन स्टार्ट किया है, हमारी मेंबरशिप का सिलसिला भी जारी है और हमारा ख्वाब सूबा सिंध या पाकिस्तान नहीं है, हमारा ख्वाब पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा है, उनको जमा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्ट्स डिटेल्स भी हमने दे रखी है। हमारी कोशिश है कि हर मुल्क से कम्युनिकेशन और वहाँ पर नेटवर्क, हर मुल्क जो मुसलमान हमारी मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ पर है वहाँ उनकी मेंबरशिप के लिए भी हमारा काम जारी है और हमारी मेंबरशिप भी जारी है कि हम मज़ीद अमीरुल मुजाहिदीन ने एक हमें शऊर दे दिया है, हम उस शऊर को आगे लेकर आएंगे। लेकिन
ये थोड़े से जो मसाइल दरपेश आते हैं तो हम उस उन ऐसे मसाइल से डरने वाले भी नहीं हैं और ऐसे मसाइलों के आगे झुकने वाले भी नहीं हैं और हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। अमीरुल मुजाहिदीन ने यही हमें मिशन दिया है, इंशाल्लाह हम इस मिशन को हमसे जो हो सकेगा मुमकिन इकदाम जो हम कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल में एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी कामयाबी काफ़ी करीब है, इतनी दूर नहीं है। दुनिया को अमीरुल मुजाहिदीन ने शऊर दे दिया है, रहा मामला एडमिनिस्ट्रेशन का तो काफ़ी सारे मामला दरपेश होते हैं, चैलेंजेस होते हैं वक्त के हिसाब से, तो इंशाअल्लाह उसमें भी बेहतरी होगी। जो दोस्त नाराज़ हैं, जो डिस्टर्ब हैं, हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उनको भी एक मतलब प्लेटफार्म के ज़रिए हम उनको लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और हमारी कोशिश भी रहेगी कि हर मुस्लिम उम्मा को मुतहद किया जाए और एक मुनज़्ज़म करके जो अमीरुल मुजाहिदीन ने मिशन दिया है तो उसको तकमील के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतरी फरमाएगा। मज़ीद आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मज़ीद दुआ फरमाएं कि हमारे हुजूर की नामोज़ के लिए हम सब मुसलमान उठे हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें जो रुकावटें वक्त के हिसाब से आई हैं तो इंशाअल्लाह हम रुकावटों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उस हर रुकावट को गिराएंगे जो हमारे सामने आएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मज़ीद इस्तकामत दे हमें दीन की खिदमत करने का और हमें जज्बा भी अता फरमाए। और मैं उन सब साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भरपूर कम्युनिकेशन किया है और अच्छे तरीके से रहनमाई वक्तन बवक्तन की है, और उन दोस्तों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो तहरीकी मसाइल की वजह से तंजीमी मामलात के मसाइल के बावजूद भी वो नाराज़ से वो भी उसका भी भरपूर कम्युनिकेशन रहा है। तो हम बेहद हर कारकुन तहरीक लबे के रसूलुल्लाह हुजूर की नाम उसके लिए जो भी कारकुन है उसके लिए हमारी जान की आज़ाद है और हमारा इंशाअल्लाह ताला उसके साथ जीना मरना एक जगह पर होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा कम्युनिकेशन पूरी दुनिया लेवल की मेम्बरशिप तक है और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की हम उसको जमा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। और अब आने वाली जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि एहतजाज अगर नामों से रिसालत के लिए हुआ तो पूरी दुनिया से होना चाहिए, एक मुल्क से एक सूबे से नहीं होना चाहिए, वो पूरी दुनिया से होना चाहिए, हर मुल्क से एहतजाज होना चाहिए। अगर नामों से रिसालत के लिए एहतजाज है या कोई काल दी जाती है तो हर कंट्री अपना भरपूर किरदार अदा करे। ये हमारा मुख्तसर पैगाम है, हमारा काम और हमारी मिशन जारी है। इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह वीडियोस के ज़रिए हम कोशिश करेंगे मज़ीद जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और नीचे कमेंट हैं, आप ज़रूर अपनी राय का ज़रूर ख्याल करें और हमें मुफीद मशवरे भी दें। और अगर कोई हमारी चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। हम खादे में तारीख लबैक या रसूलुल्लाह लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब नबी फ़क्तुलू मनसब नबी फ़क्तुलू।